हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नाउ कंटिन्यू आवर चैप्टर 13 इन क्लास 10 दैट मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जनरली हम पढ़े थे कि यदि हम मैग्नेटिक थ्रू के फील्ड के थ्रू क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिसमें हमने क्या किया, वी इफ यू टेक अ कंपास लीड नियर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्लियर, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सो वी टेक अ कॉपर वायर व्हिच कनेक्टेड विद बैटरी। मतलब देखिए कॉपर का वायर ले जो क्या है, किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। यहां पे की है स्विच। अब यदि आप क्या करते हो उसको प्लग से ज्वाइन किया और इसके ऊपर क्या लिखते हैं, कॉपर वायर के ऊपर पैरेलल में क्या रखती है, नीडल लगती है, एक कंपास लगती है, डायरेक्टिंग कंपास। कंपास क्या शो करते हैं, डायरेक्शन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वहां पर उसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है, वो नीडल है वो घूमने लगता है। क्लियर। अब इसको देखते हैं दिस डिफ्लेक्शन, यदि हम उसको ऊपर रखते हैं और जैसे स्विच को हम ऑन करते हैं, कॉपर वायर लिए, कॉपर वायर को कनेक्टेड कर दिए बैटरी से, एक की लगा है यहाँ पे प्लग, उसके ऊपर क्या कंपास को पैरेलल रख दिए हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को जैसे ऑन करते हैं इसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है, मतलब ये घूमने लगता है। जैसे कि आप मैग्नेट के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो जिस तरह से डिफ्लेक्शन होता है, सिमिलरली डिफ्लेक्शन यहाँ भी होने लगता है। ये डिफ्लेक्शन शो करता है कि यहाँ आसपास में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अभी तो क्या हो रहा है, इसमें कंपास का जो मीडियम है वो डिफ्लेक्टेड होने लगता है। अब इस पर एक्सपेरिमेंट को देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन इस तरह से ठीक के साइड है, जैसे इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या कि इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मतलब करंट का जो फ्लो होने का डायरेक्शन उसको चेंज किए, तो यहाँ जो मीडियम का जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो। तो इस कंपास मीडियम में होने वाला डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इसमें कंपास में क्या होने लगा, डिफ्लेक्शन होने लगा। क्लियर। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस आल्सो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। So here we have one point that deflection is directly proportional to current. Suppose आपको questions आते हैं कि कोई battery A है, clear? तो battery है जिसमें हम मान लेते हैं 3 ampere का current flow हो रहा है किसी device में, वो एक device B है जिसमें आपको बोला जा रहा है 2 ampere का current flow हो रहा है। अब यदि इसमें deflections A में show करना होगा और आपको यदि दूसरे में भी deflections show करना, questions ये बोलते हैं कि किसमें ज़्यादा deflections, तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जिसमें जितना ज्यादा करंट का फ्लो होगा उसका डिफ्लेक्शन उतना हाई होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, ज्यादा होगा। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, वैल्यू बेसिस क्वेश्चंस इससे भी आ सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा करंट इंक्रीज होगा डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर। नेक्स्ट आवर टॉपिक इंक्लूडेड इन दिस That right hand thumb rules. So right hand thumb rules. ये suppose आप यदि किसी conductor, जैसे हमने मान लिया कि electric conductor, तो ये क्या right hand thumb rules है, तो right hand का use कर रहे हैं generally. So इस किस में यदि देखें, यदि किसी conductor, suppose ये कोई copper का conductor, इसको हम किसी जगह intake करते हैं अपने hand इस तरह से पकड़ते हैं, तो right hand thumb rule ये बोलता है कि जो conductor के directional में यहाँ thumb का direction है, हमको फोल्ड नहीं करना, स्ट्रेट रहेगा। सो ये जो डायरेक्शंस है थंब का, ये डायरेक्शन शो कर रहा है किसको, करंट को शो कर रहा है। यदि करंट इस साइड फ्लो हो रहा है ऊपर से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है हैंड को इस तरह से नहीं करके इसको रैप करके पकड़ेगा। सो जो इसका फील्ड है, जैसे अपर एरो हमने शो किया है, तो यदि ये थंब शो कर रहा है किसको, थंब शो कर रहा है करंट को, तो जो ये हैंड की जो लाइन है इस तरह से, जो उंगलियां हैं फिंगर्स, ये फिंगर शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये भी कंडक्टर है और इसका डायरेक्शन करंट ऊपर से जा रहा है, तो इसके आसपास इस तरह से क्या होगा, इसमें इस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। सो अगेन आई रिपीट दैट, यदि थंब के डायरेक्शन में करंट है, तो ये जो उंगलियां हैं जिस तरह से फोल्ड हो रही है
उसी डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स होगी। तो इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में होता है। चलिए देख लेते हैं। यदि मैं बोलूँ सपोज ये एक कंडक्टर है और करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो इस तरह से हम देखें तो ये किस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी। राउंडिंग में तो रहेगा बट उसका डायरेक्शन सो कर रहा है आपका, राउंडिंग में है आप घूम रहे हैं बट अपोजिट भी तो जा सकता है क्लॉकवाइज, तो उस डायरेक्शन से। उसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं, थंब में किसी चीज को पकड़ लीजिए वो डायरेक्शन सो करेगा। यदि थंब करंट का डायरेक्शन है तो जस्ट इस डायरेक्शन में क्या होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। जिस तरह से थंब सो कर रहा है करंट को और जो राइट फिंगर से भी सो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। क्लियर? So here we have one question that current through horizontal powers flowing east to west. Clear? Current का flow किस side हो रहा है? East से west side, east direction. Clear? अब आप right hand thumb rules करते हैं इस तरह से आने चाहिए, मतलब एक बार आप above करते हैं below करते हैं इस तरह से। Clear? यहाँ देखिए directions किस side है? यदि हम इस तरह से इसको पकड़ते हैं करेंट्स को डायरेक्शंस को, ये इस एंगल में आया है। क्लियर? तो इस पोजीशन में हम देखें तो इसमें दो तरह से हो सकते हैं, सॉरी कौन से हॉरिजॉन्टल हो गए क्लियर। अब इस केस में हम यदि इसको इस तरह से डायरेक्शन इस के वेस्ट डाल, अब इस टू वेस्ट के डायरेक्शन के हम यदि बात करें इस तरह से हो गई, अब एबव एंड बिलो दो तरह से क्या बनाया जाता है, इस तरह से कर सकते हैं दूसरे इस तरह से बिलो करते हैं। क्लियर? अब इस डायरेक्शन के लिए हम इसको पकड़ रहे हैं यहाँ पे, ये डायरेक्शन से किसका करंट का डायरेक्शन से, ये करंट हम ऊपर से आ रहा है, ये किसका होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इसका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यदि इस तरह से आ रही है मतलब क्लॉक वाइज आ रही है, तो कौन सी एंड पे खत्म होगी, वो इसके एंड पे खत्म होगी। यदि एंटी क्लॉक वाइज जाती है, एंटी क्लॉक वाइज यदि जाती है तो उसका डायरेक्शन में क्या होगा, ये जो है वेस्ट डायरेक्शन में व्यू होगा, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो दो तरह से आप लिख सकते हैं, यदि क्लॉक वाइज हो तो ईस्ट एंड पे खत्म होगी और एंटी क्लॉक वाइज हो तो वेस्ट डायरेक्शन कंप्लीट होगी। तो आपको राइट हैंड थंब रूल आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप बेसिक पकड़ेंगे किसी भी चीज को तो आपको वो समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपको राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करते हैं। सो हियर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, जनरली हमने डायग्राम से बनाया है बार मैग्नेटिक केस में, तो इस तरह से क्या था उसमें फील्ड लाइंस। क्वेश्चन ये है कि एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं, सबको दूसरा वाला इसको क्रॉस कर दिया, देखिए इस तरह से एक नॉट इंटरसेक्टेड है, हमने बनाया इंटरसेक्टेड, तो क्यों क्रॉस नहीं किया, रीजंस इसको है। यदि आप इसके कंपास को रख देते हैं इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है, और यदि आप यहाँ पे कंपास को रखते हैं इस तरह से, चलिए इस कंपास को भी इस प्लेस पे रख देते हैं, देखिए एक ही डायरेक्शन से, इसके डायरेक्शन से इसके भी डायरेक्शन से, सो मीडियम में डिफ्लेक्शन होगा एक ही डायरेक्शन से होगा। बट यदि आप इस प्लेस पे कंपास को रखते हैं, देखिए ये इसको क्रॉस कर रहा है, मतलब डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज, मतलब डायरेक्शन तो थोड़ा चेंज हो ही रहा है, एक डायरेक्शन की बात करें तो है बट यहाँ पे दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन में क्या हो रहा है चेंजेस हो रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं, मतलब हमेशा ही ऐसे डिफ्लेक्शन होते रहे ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब यदि हम मिडिल को रखते हैं तो एक डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब वहां पे डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यदि उसमें डिफ्लेक्शन होते ही जाता तो वो ऐसा करता है कि इंटरसेक्ट हो रहा है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक साथ दो डायरेक्शन को शो किया जा सके उस प्लेस पे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सप्लेन करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें कभी इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को टच या क्रॉस नहीं करती। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे।